हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में हम केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे, है ना। तो उसके जो भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स एंड एक्सरसाइजेस, वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। उसके जो बोर्ड्स क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आता है अपने चैप्टर्स में, केमिस्ट्री टाइप चैप्टर्स में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड लेवल में, सीबीएसई लेवल में, है ना, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ज्यादातर हो गया है, लेकिन जो भी और कुछ इंपॉर्टेंट हमें मिलता है तो आई विल बी शेयरिंग विथ यू आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द चैप्टर्स टुगेदर, है ना। सारे चैप्टर को खत्म करके हम चैप्टर वाइज बोर्ड क्वेश्चन एक सेगमेंट में हम खत्म करेंगे, ओके। एंड हमारे केमिस्ट्री में तो 5 चैप्टर्स आर देयर इन क्लास 10th, है ना। तो पांचों चैप्टर खत्म करने के बाद विल बी डिस्कसिंग सम मोर फंडामेंटल क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड लेवल में आ जाते हैं, ओके। तो चलिए आज हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स डिस्कस करते हैं, है ना। ये आपका नया चैप्टर है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपको पता है व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट, आपको थोड़ा थोड़ा पता है, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको आज हम इंट्रोडक्शन के तरफ जाएंगे, है ना। मतलब एसिड को इंट्रोड्यूस करेंगे, व्हाट इज एन एसिड, ओके, बेसिस बेसिस क्या है, सॉल्ट्स क्या है ना। पहले एसिड्स बेसिस थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे, देन विल बी गोइंग टू सॉल्ट, है ना। तो आज हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज एन एसिड, एसिड किसको बोलेंगे, क्या क्या थियोरी है एसिड जानने के लिए, बेसिस जानने के लिए क्या क्या थियोरी है, एंड एसिड एंड बेस को हम कैसे पहचानेंगे, कुछ इंडिकेटर्स हैं, वी हैव सम इंडिकेटर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ओके, विल बी डिस्कसिंग दैट, ओके। आपको ये सब तभी पता चलेगा जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे एंड यू विल बी डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, ओके। बस थियोरी पढ़ के वी कैनॉट डू, बस थ्योरी में आप हम बता देंगे कि ये ऐसा कलर हुआ, ये ऐसा कलर हुआ, बट इफ यू विल गो टू द केमिस्ट्री लैब, प्रॉपर लैब लैब में जाओगे, देन यू विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द एक्सपेरिमेंट, है ना। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, एंड जो भी आप लोग थ्योरी में यहाँ पे पढ़ोगे, हम जब पढ़ा रहे हैं, उसी को आप लोग जाओ फिर केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करो उसी एक्सपेरिमेंट को, ओके, देन यू विल बी ओके विथ एसिड एंड बेसिस, ओके, समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। तो उस वहां तक जाने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स में टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होता है, ओके, वन इज योर आयोनाइजेबल कंपाउंड्स एंड अनदर इज नॉन आयोनाइजेबल। आयोन आपको पता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे कैटायन एनायन, है ना, पढ़े होंगे। जब सपोज आपको दे दिया गया NaCl, तो इसमें क्या क्या आयन है, एक है कैटायन, दिस इज Na प्लस, एक है एनायन, दैट इज Cl माइनस, है ना, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, है ना। ये इलेक्ट्रॉन, ये कैसे बना है, ये सब आपको पता है कि नहीं, Na प्लस कैसे बना है, Na व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, Na क्या क्या, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 281 इलेक्ट्रॉन है, वो इसको लूज कर दिया स्टेबल बनने के लिए, ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया, है ना। तो Na ग्राउंड स्टेट में था, ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया, एंड इट बिकम व्हाट, Na प्लस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, शॉर्टेज है, प्लस जब बोल देगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन खो चुका है ना, ये इलेक्ट्रॉन खो चुका है, एंड इट बिकम Na प्लस, इट इज योर कैटायन, इसको हम बोलते हैं कैटायन, ये सब आपको पता है। एंड Cl- इज व्हाट, Cl- इज द एनायन, इसको हम बोलेंगे एनायन, ओके। तो Cl- कैसे बना है, Cl- कैसे बना है, Cl में कितना इलेक्ट्रॉन, 287 ऐसा है, आउटर मोस्ट में 7 है ना, तो 7 कब स्टेबल होगा, Cl कब स्टेबल होगा, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, है ना, 288 हो जाएगा, सो दैट टोटल जो भी है एलिमेंट विल बी स्टेबल, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन ये खोल ली, मतलब दे दिया बाहर कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये अगर गेन करेगा, मतलब ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका, Cl माइनस हो रहा है, मतलब माइनस अगर दे रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके पास है, समझ में आ रहा है, तो प्लस दे रहा है तो आप, वी आर डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके पास डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके पास कम है इलेक्ट्रॉन, है ना, यू आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिला है, समझ में, ये सब आपको पता है कैटायन एनायन के बारे में, है ना। तो यही चीज होता है कि एक अगर कंपाउंड, ओके, द कंपाउंड है, ओके, समझ में आ रहा है, एक कंपाउंड है, सपोज वो क्या कर रहा है, वाटर में डिसॉल्व कर रहा है, व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर, आपके पास वाटर है ना, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, वाटर है, अगर कंपाउंड वाटर में मिल जा रहा है ना, मिल जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सपोज वाटर में मिलके वो कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है, इट इज डिसोसिएटिंग विथ गिविंग द आयंस, डिसोसिएट्स टू गिव आयंस, अगर वो वाटर में मिलके या उसके मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में मतलब उसी सॉल्यूशन या उसी कंपाउंड के
मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट मतलब वही लिक्विड वाला स्टेट में, ओके उस स्टेट में या वाटर के साथ मिलके, है ना, वाटर के साथ मिलके अगर कंपाउंड इन इसके आयंस देता है, सपोज NaCl वाटर के साथ मिलके दे रहा है क्या, Na प्लस प्लस Cl माइनस, अगर ऐसा हुआ तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे, मतलब इसका जो आयंस है वो अगर डिसोसिएट हो गया ना, यहाँ पे डिसोसिएशन, अगर Na एंड Cl दोनों मिलके थे, अभी क्या हो गया, Na प्लस एक हो गया, NaCl माइनस एक हो गया, मतलब आयंस उसके डिसोसिएट हो गए, है ना, बाहर चले गए, मतलब अलग हो गए, डिसोसिएशन मतलब वही है। तो अगर देखो क्या लिखना है, इफ अ कंपाउंड, लिखो अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इफ अ कंपाउंड रिएक्ट्स, या रिएक्ट्स मतलब तो नहीं, डिजॉल्व्ड इन वाटर, डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर के साथ मिला है ना, डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव्स इट्स आयंस, है ना, गिव्स इट्स आयंस, या लिख सकते हो डिसोसिएट्स, डिसोसिएट्स, डिसोसिएशन ऑफ आयंस दैट आर कैटायंस एंड एनायन, आयन मतलब यहाँ पे क्या है, कैटायन एंड एनायन दोनों डिसोसिएट हो रहे हैं, gives its ion, that is the form dissociation of ions, okay, gives an ions, then that compound is called as what, ionizable compound, ionizable compound मतलब समझ में आ रहा है, ionizable compound समझ में आ रहा है, ionizable compound मतलब जो भी compound जब water के साथ मिलेगा या उसके मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में मतलब वो उसका कुछ लिक्विड फॉर्म भी हो सकता है ना, वो जब मेल्ट होगा मोल्टेन स्टेट, तो उसी मोल्टेन स्टेट में अगर वो कंपाउंड क्या कर रहा है, उसके जो भी आयंस है ना, जो भी आयंस है उस कंपाउंड में, उसमें अगर डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ आयंस इफ इट इज अकरिंग, देन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड अपना आयोनाइजेबल कंपाउंड, ओके यहाँ पे क्या होगा, पूरा एंटायर एनायन एंड कैटायंस विल बी डिसोसिएटेड, डिसोसिएशन ऑफ आयंस विल बी गोइंग थ्रू एंटायरली, है ना, ये हो जाएगा आपका एंटायर डिसोसिएशन, दिस विल बी योर एंटायर डिसोसिएशन, पूरा डिसोसिएशन हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, है ना, एंटायर डिसोसिएशन, ओके समझ में आ रहा है, मतलब आपका डिसोसिएशन ही होगा, ऐसे मानो कि अगर एक कंपाउंड वाटर के साथ मिला या उसके मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, वो अगर अपने आयंस दे रहा है, यानी डिसोसिएशन ऑफ आयंस इज बीइंग अकर्ड, देन वी विल बी कॉलिंग दैट कंपाउंड एज व्हाट, आयोनाइजेबल कंपाउंड, ओके यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट दैट एन आयोनाइजेबल कंपाउंड व्हेन डिजॉल्वड इन वाटर और इन इट्स मोल्टन स्टेट डिसोसिएट्स इनटू आयन, जैसे NaCl किया, ओके तो आपको एग्जांपल मिल जाएगा, NaCl, HCl, KOH, है ना, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं, ओके तो इसके जो उल्टा वाला जो केस होगा, दैट इज नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड, नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, जब आप एसिड्स बेसिस पढ़ोगे, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ोगे, है ना, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके आने शुरू हो जाएंगे। देखो नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड उसी को बोलते हैं जो डजंट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्वड इन इट्स मोल्टन स्टेट और वाटर, ओके सपोज वो क्या होगा, वाटर में तुम उसको डिजॉल्व किए या मोल्टन स्टेट में आपके है, जो भी आपके लिक्विड स्टेट है उसमें डिजॉल्व कर रहे हो, तो डिजॉल्व्ड व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में जब मिलेगा वो कंपाउंड, सपोज दैट कंपाउंड वाटर में जब मिल रहा है, दैट डजंट गिव्स आयंस, है ना, यहाँ पे देखो आयंस मिला, प्लस आयन, माइनस आयन, दैट इज कैटायन मिला, एनायन मिला, तो इसको हम बोल दिए आयोनाइजेबल कंपाउंड। नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड में क्या होगा, ये क्या होगा, जब वाटर के साथ मिलेगा या लिक्विड स्टेट, उसके लिक्विड स्टेट के साथ मिलेगा, दैट डजंट फॉर्म आयंस, दैट डजंट डिसोसिएट इनटू आयन, यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, ओके व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर इट डजंट डिसोसिएट इनटू आयंस, तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, सपोज आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, है ना, तो C6H12O6 में अगर हम वाटर मिला देंगे तो ये क्या होगा, इसके आयंस फॉर्म नहीं करेंगे, देखो ये तो आयोनिक कंपाउंड है ही नहीं, है ना, आयोनिक कंपाउंड है नहीं, देखो एसीटोन एक आयोनिक कंपाउंड नहीं है, है ना, एसीटोन एक आयोनिक कंपाउंड है क्या, नहीं है, समझ में आ रहा है, तो एनी आयोनिक कंपाउंड विल गिव आयंस, एनी नॉन आयोनिक कंपाउंड वॉन्ट गिव आयंस, है ना, आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, KOH हो गया, HCl हो गया, Na2SO4 हो गया, ऐसे सारे जितने आपके आयोनिक कंपाउंड है वो क्या करेंगे, आपको आयंस डिसोसिएशन होगा वहां पे, तो हम उसको बोलेंगे आयोनाइजेबल कंपाउंड, एंड नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड लाइक दिस कार्बन कार्बन जिस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके कार्बन के साथ जो मिला है,
जैसे C6H12O6 हो गया, एसीटोन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, है ना। CH3CO-H काफी दे देता है, CH3CO-H दे देता है, लेकिन और सारे जैसे आपके हो गए कुछ सपोज आपका हो गया स्टार्च हो गया, सेल्यू स्टार्च में कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, सुगर सुगर यानी अदर कार्बोहाइड्रेट्स, दे डजंट गिव आयन। ओके, लेकिन यहाँ पे कार्बन के ऐसे मत बोलना कि बस कार्बन के ये वाले कंपाउंड्स दे आर नॉट गिविंग आयन, ऐसे मत बोलना कि सारे कार्बन के कंपाउंड्स दे डजंट गिव आयन, बहुत सारे का देता भी है। जैसे CH3COOH आपके एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH वो क्या करेगा, वाटर के साथ मिलके दे देगा, है ना। यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ आयन अकर, CH3CO- एंड H+, है ना, यहाँ पे होता है। लेकिन बहुत सारे कार्बन कंपाउंड में ये होता नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे हम बोले सुगर स्टार्च, वो सारे केस में दैट डजंट गिव एक्चुअली आयन्स। ओके, तो जहाँ पे आयन नहीं देगा वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड या नॉन आयनिक कंपाउंड। जहाँ पे आयन दे देगा वाटर के साथ मिलके, दे विल बी कॉल्ड एज आयनाइजेबल कंपाउंड। ये थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ओके समझ में आया। ओके, तो नाउ हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट इज एन बेस, व्हाट इज अ बेस। ओके, देखो आपके जो 10th के स्टैंडर्ड में दिया है वो हम नहीं देख रहे हैं। ओके, जो भी आपके बेसिक्स आपको जानना है वो हम देख रहे हैं। ओके, तो ये सब बेसिक्स आपको जानना है तो हम इसीलिए ये चीज पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10th के सिलेबस में है कि नहीं, जो भी सिलेबस में है वो आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा इफ यू नो दिस, है ना। अगर आपको ये सब पता है देन यू विल बी कवरिंग द होल पार्ट ऑफ द एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी, है ना। तो फर्स्ट हम क्या पढ़े, आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मतलब आयोन्स डिसोसिएशन होगा, नॉन आयोनाइजेबल मतलब आयोन्स डिसोसिएशन नहीं होगा। ओके, आपको फॉर्मूला मतलब जो एग्जाम्पल्स उतना रटना नहीं है, एक एग्जाम्पल रटना है आयोनाइजेबल का, उसमें NaCl है, KCl है, KOH कुछ भी, एंड यहाँ पे CH3 आपके सॉरी C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज है कि याद कर लो। ओके, समझ में, एसीटोन है कि याद कर सकते हो। उसका फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ थियोरी है कि व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट इज एन बेस, व्हाट इज अ बेस, जानने के लिए कुछ थियोरी है। सो फर्स्ट थियोरी विल बी एरेनियस थियोरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसको जानना जरूरी नहीं है कि ये थ्योरी यही है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो जानना जरूरी है। एरेनियस थियोरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या करता है, देखो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, यही पढ़ना है। देखो एस एरेनियस एक साइंटिस्ट है ना, एरेनियस क्या बोले, एरेनियस क्या बोले, ये बोले कि एसिड उसी को बोलेंगे, एसिड उसी कंपाउंड को या उसी सब्सटेंस को बोलेंगे व्हेन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड व्हेन इट इज डिजॉल्व, ये इसको एसिड बोलेंगे जब उस कंपाउंड को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे एंड इट विल गिव द आयन दैट इज H+ आयन। ओके, H+ आयन अगर H+ वो डिसोसिएट करेगा, देखो आयोनाइजेबल हम जानते हैं आयोनाइजेबल आयन्स डिसोसिएट करता है, अगर वो आयन H+ होगा, जो कैटायन है H+ हो जाएगा, नहीं तो हम बोलेंगे H3O+ आयन। अगर ये दोनों आयन हमारा डिसोसिएशन हो रहा है, ओके, मतलब आइदर दिस और दिस, H+ हो रहा है नहीं तो H3O+ डिसोसिएशन हो रहा है, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड। समझ में आ रहा है। देखो जैसे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl जब वाटर के साथ मिलता है ना भैया, ये क्या देता है जानते हो, H+ एंड Cl-, है ना, H+ बोल सकते हो नहीं तो H3O+ बोल सकते हो, है ना। HCl जब वाटर के साथ मिलता है दैट एक्चुअली डिसोसिएट इनटू H+ + Cl-। तो यहाँ पे देखो H+ मिला, यहाँ पे H3O+ वही H+ जो है H3O+ वही है, बस H+ में जब हम वाटर वाटर में मिला रहे हैं तो ये बस H2 एंड H दैट इज H3O+ हो रहा है, ये दोनों इक्वल ही है, H+ एंड H3O+ आर इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, जो भी कंपाउंड When dissolved in water, that gives H+ ion or H3O+ ion, then we'll be calling that compound as acid. जैसे एग्जाम्पल आप दे देने HCl, HCl में हम वाटर वाटर के साथ अगर वो डिजोल्व हो जाएगा तो H+ देगा एंड Cl- देगा। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में देखो H2SO4 है, ये क्या देगा वाटर के साथ मिलके, H+ + SO4 2-, है ना। तो H+ मिला, है ना, H+ मिला, अगर H+ मिलता है देन दैट इज एसिड। देखो HNO3 में HNO3 में H+ + NO3 H+ मिला, दैट इज एसिड। समझ में आ रहा है। तो एरेनियस ने क्या बोला, वो ये बोले कि
उस कंपाउंड को हम एसिड बोलेंगे व्हेन दैट कंपाउंड इज बीइंग डिसॉल्वड इन वाटर एंड गिविंग एच प्लस आयन। ओके समझ में आया, एच प्लस नहीं तो एच थ्री ओ प्लस। ओके समझ में आ रहा है। ओके अगेन अरेनियस बेस क्या होगा, ये तो एसिड का केस था। बेस क्या होगा, व्हाट विल बी कॉल्ड एज अ बेस, बेस क्या बोलेंगे, बेस को क्या बोलेंगे, जब बेस सॉरी दैट कंपाउंड, सपोज ए कंपाउंड रिएक्ट्स विद वाटर या डिसॉल्वड इन वाटर गिव्स OH माइनस आयन, ये H प्लस दे रहा था, ये क्या देगा OH माइनस आयन देगा, तो हम उसको आंख बंद करके बोल देंगे वो है एक बेस या अरेनियस बेस। ओके तो बेस किसको बोलेंगे, दैट कंपाउंड व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर गिव्स OH माइनस आयन, OH माइनस इज एन आयन है ना, तो OH माइनस आयन अगर मिल जाएगा हमें उस सॉल्यूशन में तो हम क्या बोलेंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड को, बेस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो क्या है, दैट इज NaOH है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, देखो क्या दिया ये NaOH व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स Na प्लस प्लस OH माइनस, दिस इज आयनाइजेबल कंपाउंड, ये सब आयनाइजेबल कंपाउंड है, प्रीवियस केस में पढ़े है ना, ये कैटायन दिया एनायन दिया, जो एनायन है हमारे पास क्या मिला वो OH माइनस है ना, तो OH माइनस मिला तो वी कैन कॉल इट दैट इज एस बेस, OH माइनस आयन दे रहा है तो हम उसको अरेनियस बेस बोलेंगे। जैसे KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये दे देगा K प्लस प्लस OH माइनस, तो जो एनायन है दैट इज OH माइनस, OH माइनस दिया तो हम उसको बोलेंगे क्या बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी वही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना CaOH होल 2, व्हाट इट गिव्स व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स Ca2 प्लस प्लस OH माइनस है ना, यहाँ पे भी वही हुआ, समझ में आ रहा है, OH माइनस दिया दैट मीन्स दैट इज अ बेस। ओके तो एसिड्स बेसिस अरेनियस कॉन्सेप्ट में क्लियर हुआ है ना, अरेनियस क्या बोले कि एनी कंपाउंड दैट डिसॉल्वड इन वाटर गिव्स एच प्लस आयन तो हम उसको बोलेंगे एसिड, एंड बेस किसको बोलेंगे व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर ए कंपाउंड गिव्स OH माइनस आयन तो हम उसको बोल देंगे क्या बेस। ओके समझ में, एग्जांपल आपके सामने है। ओके ओके फिर और एक चीज आपको, और एक थ्योरी हम मिले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके स्टैंडर्ड के लिए, टेंथ स्टैंडर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीवियस थ्योरी इज वेल एंड गुड है ना, प्रीवियस थ्योरी आप बता सकते हो एसिड एंड बेसिस के लिए, ये थोड़ा हायर क्लास के लिए, लेकिन फिर भी पढ़ लो है ना। तो यहाँ पे वो क्या बोला, ब्रोंस्टेड लोरी क्या बोले, ब्रोंस्टेड एंड लोरी दो साइंटिस्ट हैं, वो लोग क्या बोले उस थ्योरी में कि ब्रोंस्टेड एसिड, मतलब एसिड यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे एसिड उसको बोलेंगे जो एच प्लस डोनेट करेगा, मतलब एच प्लस लूज करेगा, यही केस, मतलब सेम ही चीज है लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट है। सपोज एक सब्सटेंस दैट इज कंपाउंड एच प्लस लूज करेगा है ना, डोनर, डोनर मतलब एच प्लस डोनेट कर दिया, एच प्लस डोनेट कर दिया, तो एक कंपाउंड अगर एच प्लस डोनेट कर रहा है तो हम उस कंपाउंड को बोलेंगे एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड। ओके अगर वो कंपाउंड एच प्लस एक्सेप्ट करेगा है ना, एक्सेप्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये क्या क्या H प्लस डोनेट कर दिया, मतलब माइनस हो गया H प्लस यहाँ से, ये एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्ट अगर करेगा हम उसको बोलेंगे बेस। ओके समझ में आ रहा है, अगर कोई H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे क्या, H प्लस एक्सेप्टर को बोलेंगे बेस, एंड H प्लस डोनर को हम बोलेंगे व्हाट, एसिड है ना। तो ऐसा केस नहीं है कि बस यही होने से ही हम एसिड बोलेंगे बेस बोलेंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे होगा तो हम बोल देंगे उसको एसिड एंड बेस। सपोज यहाँ पे देखो एक रिएक्शन है HCl plus NH3 gives NH4Cl है ना, तो जब NH3 that is ammonia इसको बोलते हैं, देखो हमेशा आपको नाम वगैरह याद रखना है। ओके दिस इज NH3 मतलब अमोनिया, देखो केमिस्ट्री में थोड़ा याद रखने का है, हमेशा कंसेप्ट में नहीं जा सकते, कंसेप्ट पहले मतलब पहले याद मतलब पहले एक्सपेरिमेंट किया गया है देन कंसेप्ट आया है ना वहां से है ना, तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो थ्योरी है, थ्योरी से हमारा कंसेप्ट आया, मतलब थ्योरी थोड़ा थोड़ा आपको रटना भी होगा। NH3 इज कॉल्ड एज एमोनिया, तो जब NH3 रिएक्ट करेगा HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ तो हम उसको बोलेंगे क्या, यहाँ पे दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करेंगे, देखो एसिड एंड बेस मिलके एक्चुअली सॉल्ट फॉर्म करते हैं जो कि बाद में पढ़ेंगे। ओके तो NH4Cl क्या है, जनरली ये चीज क्या है, ये एक्वेस मीडियम में है ना,
एक्वेश मीडियम में है, देखो एक्यू एक्यू हमेशा लिखा हुआ है, मतलब वाटर यहाँ पे है, तो वाटर यहाँ पे है मतलब ये अगर वाटर में है तो ये डिसोसिएट कर जाएगा एन एच फोर प्लस में एंड सी एल माइनस में, समझ में आ रहा है, सी एल माइनस में दे विल बी डिसोसिएटिंग। तो आपको क्या मिला जनरली एन एच थ्री प्लस एच सी एल, आपको मिला एन एच फोर प्लस प्लस सी एल माइनस, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एन एच थ्री, एन एच थ्री क्या हुआ, एन एच फोर प्लस बन गया है ना, एन एच थ्री बिकम वॉट एन एच फोर प्लस एंड एच सी एल बिकम वॉट सी एल माइनस, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एन एच थ्री में एक एच प्लस एड हो रहा है, तो अगर एड हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, है ना, एड हो रहा है तो बेस बोलेंगे। ये क्या किया, एच प्लस डोनेट कर दिया, एच प्लस यहाँ से निकल गया इसीलिए तो सी एल माइनस बना, एच प्लस ये डोनेट कर दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड। तो इसको हम बोलेंगे एसिड, इसको हम बोलेंगे बेस, समझ में आ रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये वाले कंसेप्ट में क्या होगा, एच प्लस जो डोनेट करेगा दैट इज एसिड, जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज बेस। ओके समझ में आया, है ना, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई बता सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट इन एक्वेस मीडियम दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, सॉल्ट ही बन रही है, एन एच फोर सी एल इज ए सॉल्ट, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, ये बस आज के लिए इंट्रोडक्शन है। ओके समझ में आया, तो ये वाला थ्योरी आपको पता चला। देन फर्स्ट हम पढ़े हैं अरेनियस बेस एंड अरेनियस एसिड, अरेनियस एसिड एंड बेस में क्या होता था, जो वाटर में मिलके एच प्लस देगा उसको हम बोल देंगे अरेनियस एसिड, जो ओ एच माइनस देगा उसको हम बोल देंगे अरेनियस बेस। यहाँ पे जो एच प्लस देगा, एच प्लस जो डोनेट करेगा हम उसको बोलेंगे एसिड, जो एच प्लस गेन करेगा यानी एक्सेप्ट करेगा हम उसको बोल देंगे बेस। समझ में आ रहा है, ये दोनों थ्योरी आपको क्लियर है। ओके नाउ विल बी मूविंग टू सम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके ओके, हम कैसे टेस्ट करेंगे, विल बी डूइंग सम फिजिकल टेस्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज अ बेस एंड व्हाट इज एन एसिड, वी हैव एसिड एंड बेस। ओके तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, फिजिकल टेस्ट है, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एसिड एंड बेस को। तो आपके पास कुछ सिंपल टेस्ट है ना, बहुत सारे टेस्ट है अपने पास, फिजिकल टेस्ट है। तो वी हैव टू पॉसिबल फिजिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एन एसिड और ए बेस, डिफरेंशिएट कर सकते हो एसिड एंड बेस में, वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट इज टेस्ट, टेस्ट इज मतलब मुंह में लो, थोड़ा टेस्ट करो, है ना। तो टेस्ट अगर करोगे तो एसिड क्या होगा, इन फर्स्ट लिखो, देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इज टेस्ट, टेस्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे एसिड एंड बेस को। ओके तो इस टेस्ट में दैट इज टेस्ट एंड टेस्ट डिफरेंट, ओके दिस इज अ टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट, डिफरेंट थिंग है। टेस्ट मतलब आपका जो परीक्षा है ना, टेस्ट मतलब आपका जो स्वाद है। तो हम अगर स्वाद करेंगे, हम अगर मुंह में लेंगे उसको, तो विल बी गेटिंग द टेस्ट ऑफ दैट इन आवर टंग, है ना। तो क्या होगा, एसिड, एसिड क्या होगा, थोड़ा सोर टेस्ट कर, थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है ना, सोर टेस्ट। एंड बेस टेस्ट थोड़ा बिटर, उड़िया में जिसे बोलते हैं पीता, थोड़ा आपको बिटर टेस्ट लगेगा। तो बेस आपका बन जाएगा बिटर टेस्ट, जो भी आपको बिटर टेस्ट लगेगा हम उसको बोल सकते हैं बेस, है ना। एंड जो भी थोड़ा खट्टा लगेगा दैट इज कॉल्ड एज एसिड, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन ये टेस्ट को या ये परीक्षा को हम अच्छे से नहीं बोलेंगे कि ये बहुत ही शानदार टेस्ट है टू डिफरेंशिएट एसिड एंड बेस, क्योंकि बहुत सारे बेसेस भी सोर टेस्ट करते हैं, जो कि मतलब बहुत दिन रह गया है हो, या कंटामिनेट हो गया हो, या कोरोसिव हो गया हो, वो थोड़ा सोर भी टेस्ट करेगा, हम बेस को बोल देंगे नहीं एसिड हो, एसिड है वो, है ना। तो ये एक्चुअली टेस्ट के माध्यम से हम पूरा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एसिड एंड बेस को, ये थोड़ा प्रिलिमिनरी टेस्ट बोल सकते हो, या थोड़ा मतलब प्राइमरी टेस्ट बोल सकते हो, है ना। जैसे आपको बुखार बुखार हो जाता है तो पैरासिटामोल दे देने से भी आपका ठीक हो जाता है, लेकिन बुखार किस कारण से हुआ है, जॉन्डिस के कारण से हो सकता है ना, कुछ दूसरे कारण से हो सकता है, अगर उस दवाई हम नहीं देंगे तो ठीक तो नहीं होना, ठीक होगा क्या, नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी वही है, एसिड एंड बेस को अगर थोड़ा बहुत हम जानना चाहते हैं एसिड क्या है बेस क्या है, तो हम टेस्ट कर देंगे, है ना। तो अगर शोर है तो ये ज्यादातर एसिड हो सकता है, अगर बीटा टेस्ट हो रहा है तो ये बेस हो सकता है, समझ में आ रहा है। ओके टेस्ट के बेसिस में यू कैन डिफरेंशिएट एसिड एंड बेस, थोड़ा बहुत कर सकते हो। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स बाय एसिड्स एंड बेस। कुछ इंडिकेटर्स है हमारे पास, कुछ केमिकल सब्सटेंस है हमारे पास, कुछ इंडिकेटर है जो इंडिकेट करेगा, इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेटर इंडिकेट करेगा यानी जो बता देगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो इंडिकेटर, वी हैव सम केमिकल सब्सटेंसेस, है ना,
वी हैव सम केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ सोल्यूशन है या कुछ भी है ना, पेपर्स हैं, तो कुछ केमिकल सब्सटेंस है हमारे पास विच शोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर या टेस्ट या ऑर्डर, है ना। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के साथ हम अगर रिएक्ट करवाएंगे एसिड एंड बेसिस को, है ना, तो हमें कुछ चेंजेस मिलेगा, कुछ कलर में चेंज मिल सकता है या कुछ ऑर्डर में चेंज मिल सकता है ना। तो ये जो चेंज में हम बता सकते हैं व्हेन दैट चेंज इज बीइंग डन, उस चेंज से हम बता सकते हैं वो जो सोल्यूशन है दैट इज एसिड सोल्यूशन है या बेस सोल्यूशन है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी वाला पार्ट है ना, तो हम अभी इसको पढ़ेंगे। तो जो फिजिकल इंडिकेटर्स है हमारे पास, सॉरी केमिकल इंडिकेटर्स है, यहाँ जो केमिकल सब्सटेंसेस है जहाँ से हम बता सकते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिस है, बेस है, वी हैव थ्री इंडिकेटर्स। फर्स्ट वन इज लिटमस, लिटमस आप लोग जानते होंगे, लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर एक रहता है, ओके। फिर आपका मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ओके। फिर आपका फिनोब्थालिन इंडिकेटर, समझ में आ रहा है? सो दीस थ्री आर द टेस्ट्स या दीस थ्री आर द मेथड्स या दीस थ्री आर द इंडिकेटर्स टू इंडिकेट वेदर द पर्टिकुलर कंपाउंड यू हैव टेकन एज एसिड और बेस, समझ में आ रहा है? या न्यूट्रल, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है ना। सारे तो एसिड बेस नहीं होंगे, कोई कोई न्यूट्रल भी होगा, है ना। तो लिटमस पेपर जब हम टिप करेंगे कोई भी सॉल्यूशन में, अगर हम लिटमस पेपर डिप करेंगे, लिटमस पेपर एक रहता है आपके लैब में हो रहेगा, है ना, तो यू विल बी फाइंडिंग, देखो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर रहता है, एक रहता है आपका रेड लिटमस पेपर, है ना, एंड ब्लू लिटमस पेपर, दो पेपर रहता है। तो इसको रेड लिटमस को हम अगर बेस में, सपोज यू हैव बेस सॉल्यूशन, है ना, बेस सॉल्यूशन में अगर डिप करेंगे तो रेड विल बी बिकम ब्लू, है ना। अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है तो 100% वो बेस है, बेस सॉल्यूशन है आपके पास, सपोज दिस इज बेस, उसमें हम रेड लिटमस दैट इज रेड इन कलर, रेड लिटमस डिप किए तो वो क्या बन जाएगा, ब्लू। तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेस है, जो भी सॉल्यूशन लिए हो बेस है। अगर ब्लू लिटमस हम एसिड में डालेंगे, यानी यू विल बी पुटिंग द ब्लू लिटमस पेपर इन एसिड, तो एसिड में अगर डालोगे तो क्या होगा, ब्लू लिटमस विल टर्न रेड, समझ में आ रहा है? तो ब्लू को हम एसिड में डालेंगे तो रेड बन जाएगा, रेड को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो रेड को अगर हम एसिड में डालेंगे तो चेंज नहीं होगा कलर, है ना, या ब्लू को हम बेस में डालेंगे तो चेंज नहीं होगा कलर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, एन एसिड टर्न्स ए मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू टू रेड कब बनेगा, जब एसिड होगा, है ना, रेड टू ब्लू तभी बनेगा जब बेस होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द लिटमस टेस्ट। एंड न्यूट्रल में कुछ नहीं, पर्पल कलर का लिटमस पेपर आ जाएगा आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन में, है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन में कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है? एसिडिक सॉल्यूशन में रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन में आपका ब्लू। तो आपको बस यही याद रखना है कि एसिड अगर हम डाल रहे हैं रेड लिटमस में तो कुछ चेंज नहीं होगा, बेस अगर डाल रहे हैं रेड लिटमस वी आर पुटिंग रेड लिटमस पेपर इन बेस, तो दैट विल बी टर्निंग टू ब्लू, एंड ब्लू लिटमस इन एसिड टर्न्स टू रेड, समझ में आ रहा है? दिस इज द फर्स्ट फिजिकल फर्स्ट इंडिकेटर, है ना, ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, यानी दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी इज बीइंग चेंज्ड। पर द सेकंड इंडिकेटर इज द मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, है ना, मिथाइल ऑरेंज आपका ऑरेंज कलर का कुछ सॉल्यूशन होता है ना, मिथाइल ऑरेंज इज द ऑरेंज कलर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, ओके। तो ये अगर हम मिला देंगे मिथाइल ऑरेंज एक ड्रॉप हम क्या करेंगे, ये है आपका एसिड, है ना, ये है आपका बेस, तो मिथाइल ऑरेंज यू विल बी पुटिंग हियर एंड हियर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा एसिड में, मिथाइल ऑरेंज जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो बन जाएगा आपका रेड कलर, एंड इन बेस जो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका येलो कलर सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। मिथाइल ऑरेंज व्हेन यू विल बी पुटिंग इन एसिड द सॉल्यूशन विल टर्न टू रेड, एंड मिथाइल ऑरेंज व्हेन इट विल बी यू विल बी डिपिंग, या जब मिथाइल ऑरेंज को यहाँ पे मिलाओगे बेस में तो ये बन जाएगा आपका येलो। सो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस, समझ में आ रहा है? मिथाइल ऑरेंज इज अ सॉल्यूशन, उसको हम अगर एसिड में डालेंगे तो वो सॉल्यूशन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी रेड, एंड इन बेस दैट विल बी येलो। अगर रेड हुआ तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि एसिड है, और येलो हुआ तो डायरेक्ट बोल देंगे दैट इज बेस, ओके, समझ में आ रहा है? ओके,
फिनोफ्थालीन एक और एक इंडिकेटर है, दैट इज फिनोफ्थालीन, थर्ड इंडिकेटर है ना। फिनोफ्थालीन यूज करके भी आप बता सकते हो कि एसिड है या बेस है या जो भी न्यूट्रल है। तो फिनोफ्थालीन अगर हम डालेंगे एसिड सॉल्यूशन में, सपोज दिस इज फिनोफ्थालीन सॉल्यूशन है ना, फिनोफ्थालीन सॉल्यूशन को हम डाले किसमें, एसिड में, दिस इज योर एसिड, तो ये कलरलेस हो जाएगा है ना, दो सॉल्यूशन विल बी रिमेन कलरलेस। एसिड में फिनोफ्थालीन जो रिएक्ट करेगा कलरलेस हो जाएगा, कलर है ना, कलरलेस। अगर फिनोफ्थालीन को हम डालेंगे बेस में, दिस इज योर बेस, बेस में अगर डालेंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी पिंक इन कलर। तो अगर पिंक हो रहा है तो हम बता देंगे बेसिक, अगर कलरलेस है तो उसको हम बोल देंगे एसिड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सो दिस थ्री आर द इंडिकेटर्स टू इंडिकेट वेदर द पर्टिकुलर सब्सटेंस और कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। समझ में आ रहा है। तो लिटमस में ब्लू को रेड कर देगा एसिड में है ना, एंड बेस में रेड को ब्लू कर देगा। मिथाइल ऑरेंज में एसिडिक विल टर्न्स आउट टू बी रेड कलर, बेसिक विल टर्न्स आउट टू बी येलो कलर। एंड इन फिनोफ्थालीन इंडिकेटर द न्यूट्रल सोल्यूशन तो कुछ नहीं है, कलरलेस है, एसिडिक सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा एंड बेसिक सोल्यूशन आपका पिंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो दिस बेसिकली आपके कुछ इंडिकेटर्स हैं। ओके समझ में आ रहा है। देर आर अदर मेथड्स टू फाइंड वेदर दिस इज एसिड और बेस, बस बट वो थोड़ा हम हायर क्लासेस में विल बी रीडिंग अबाउट दैट। ओके बट इंडिकेटर्स आर दिस थ्री थिंग्स इंडिकेट करेंगे जो कि एसिड है या बेस है। समझ में आ रहा है। ओके तो आज यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट लेक्चर्स में विल बी डिस्कसिंग रिएक्शंस, पढ़ेंगे एसिड्स किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा है ना, एसिड बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। विल बी डीलिंग विथ सम रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है ना, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स और बेसिस। ओके तो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डीलिंग विथ द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, शायद ये सब आपको पता चल गया। हम ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज है ना, अरेनियस थ्योरी एंड ब्रॉनस्टेड थ्योरी। अरेनियस थ्योरी में क्या बोला था, वाटर में डिजोल्व करेगा एसिड तो H प्लस देगा, बेस क्या देगा OH माइनस देगा। यहाँ पे क्या बोला था, जो H प्लस डोनेट कर रहा है दैट इज एसिड, H प्लस जो एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज बेस है ना। फिर आपके पास कुछ फिजिकल टेस्ट है, दैट इज योर टेस्ट, हम स्वाद करके हम पता चल सकता है कि दैट इज एसिड और बेस है ना। लेकिन ये पूरा 100% एक्यूरेट मेथड नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे बेसिस अपन कंटामिनेशन थोड़ा सोर टेस्ट करता है ना, तो ये हम बता नहीं सकते कि 100% एसिड है या बेस है। तो इसके लिए हमें इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा। इंडिकेटर वी रेड अबाउट लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन एंड फिनोफ्थालीन सॉल्यूशन। बाय यूजिंग दिस थिंग्स वी कैन फाइंड वेदर अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन है ना। तो लिटमस में ब्लू बन जाता है रेड इन केस ऑफ एसिड सॉल्यूशन, रेड लिटमस विल टर्न्स टू ब्लू इन केस ऑफ बेस सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में क्या होगा, न्यूट्रल में तो ऑरेंज है मिथाइल ऑरेंज कलर, एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में जब हम उसको मिलाएंगे तो रिजल्टेंट विल बी इन येलो इन कलर। ओके एंड फिनोफ्थालीन में भी वही है, वो न्यूट्रल में कलरलेस है, बस एसिडिक में डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, बेसिक में डालोगे तो दैट विल बी पिंक है ना। तो आपको अगर पूछेंगे हम के ओ एच में फिनोफ्थालीन डालेंगे, फिनोफ्थालीन का जो स्पेलिंग है वो अच्छे से लिखो, फिनोफ्थालीन सॉल्यूशन अगर हम के ओ एच में डालेंगे तो क्या होगा कलर, द कलर विल बी व्हाट, द कलर विल बी पिंक, बिकॉज के ओ एच इज बेस। बेस कैसा है ये, कैसे पता चला KOH बेस है, क्योंकि व्हेन इट विल बी रिएक्ट विथ वाटर, वाटर में हम अगर डिसोसिएट करेंगे ये क्या हो जाएगा K प्लस प्लस OH माइनस, मतलब OH माइनस दे रहा है तो ये बेस है। एंड बेस में फिनोफ्थालीन सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। ओके सो इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ओके द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद सम अदर मटेरियल्स। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।